गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 5 और हमने कल की क्लास में अभ्यास 4 इसके हमने प्रश्न 1, 2, 3 किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 4 में क्या है, बॉक्स में लिखे अंकों का स्थानीय मान लिखिए। कल भी हमने स्थानीय मान के बारे में बताया था और आज भी उससे आगे चलेंगे और उसमें भी आपका क्या है, जो बॉक्स में लिखा हुआ नंबर है, अंक है, उसका हमें स्थानीय मान बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे ये दिया है संख्या, ये दी हुई है 326, इसमें बॉक्स में नंबर क्या है, अंक कौन सा है, 2। तो 2 का हमें स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान मैंने आपको बताया भी था, क्या से था, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 2 का स्थानीय मान क्या है, दहाई, यानी 10 से गुणा किया जाएगा। तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20। 10 × 20 ऐसे ही। फिर देखिए 865, इसमें हमें 5 है बॉक्स में, तो 5 का हमें स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 का क्या स्थानीय मान, इकाई यानी 1। तो 5 इसका क्या होगा, 5 ही आंसर होगा। फिर है प्रश्न 3, इसमें 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो इसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या है 2 का स्थानीय मान, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। तो 2 को जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 200, क्या आएगा, 200। आप देखिए प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 में 4 का आपको स्थानीय मान बताना है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 का स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा यानी 100, है ना। तो यानी क्या हो गया, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400। तो इस तरह से आपकी इसमें मैंने 4 तो बता दिए और प्रश्न 5 और 6, प्रश्न 4 के 5 और 6 ये आप अपने आप करेंगे। अब है क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान लिखिए। 5 का आपको स्थानीय मान बताना है। आप देखिए इसमें संख्या दी हुई है, संख्याओं में 5 का स्थानीय मान लिखिए, 356। अब इसे 5 का आपको स्थानीय मान बताना है। हर एक संख्या में देखिए 5 दिया हुआ है और 5 का, सिर्फ 5 का ही स्थानीय मान बताना है। तो देखिए इकाई, दहाई, 5 का स्थानीय मान क्या है, दहाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 50। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। 10 को 5 से गुणा किया तो क्या आया, 50। अब यहाँ पे 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या है, सैकड़ा, यानी 5 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 500। अब इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे भी इसका क्या स्थानीय मान है, सैकड़ा, यानी 500। आया समझ में। तो इस तरह से आपके प्रश्न 4 और 5 हो गए हैं। फिर है प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक अंक का, प्रश्न 6 क्या है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। अभी तो हमने क्या क्या था, जो बॉक्स में दिए गए थे उन अंकों का स्थानीय मान बताया था। अब हम बताएं करेंगे, जैसे प्रश्न 1 क्या है, इसमें 832। तो इसमें इन तीनों अंकों का स्थानीय मान आपको बताना होगा। तो बता सकते हैं आप इसका स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है, 2। 2 × 1 यानी 2। फिर 3 का स्थानीय मान क्या है, 10। तो 3 × 10 यानी 30। फिर है आपका 8 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 8 × 100, क्या हो गया, 800। तो इस तरह से आपको इनका स्थानीय मान बताना होगा। प्रश्न 2 करते हैं, देखिए इसमें 653, क्या है, 653। 6 का स्थानीय मान बताइए, सॉरी तीनों का स्थानीय मान बताना है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3। अब मैं गुणा नहीं कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने किया था, आप डायरेक्ट लिखेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या है, दहाई यानी 50। फिर 6 का स्थानीय मान सैकड़ा यानी 600।
आया समझ में? फिर है प्रश्न तीन और करते हैं हम इसका, फिर बाकी क्वेश्चन जो है वो आप स्वयं करेंगे। 735 इसमें देखिए, पांच का स्थानीयमान इकाई है तो पांच, तीन का स्थानीयमान दहाई है तो 30, और सात का स्थानीयमान सैकड़ा है तो ये 700। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन 4, 5, 6 ऑफ पेज नंबर 13 ऑफ पेज नंबर 13 इन नोटबुक। आपको पेज नंबर 13 में क्वेश्चन 4, 5, 6 ये कंप्लीट करने होंगे। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया है ना? तो देखिए, और फिर मैं एक बार और बता देती हूँ किस तरह से करना है आपको। फिर देख लीजिए, प्रश्न 4 जो है बॉक्स में लिखिए, अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो उसमें देखिए, हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं, और इसमें क्या था, बॉक्स में जो लिखे हुए अंक थे, जो अंकों बॉक्स में जो दिए गए हैं उनका हमने स्थानीय मान लिखा, और स्थानीय मान लिखने का क्या तरीका था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो भी। अब जैसे इस दहाई के स्थान पर है, दहाई का मतलब क्या हुआ 10, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। तो जो भी स्थानीय मान आए उसी से गुणा कर देंगे। अब दो कहाँ पर है, दहाई के स्थान पर है, यानी 10 से गुणा किया, तो 10 से जब 2 को गुणा किया तो क्या आएगा, 10 × 20। ऐसे इसमें देखिए, 5 कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर, तो 5 × 5 हो जाएगा। फिर आपका इधर देखिए, 2 कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो यानी 100 से, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 200। ऐसे ही 4 का स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा यानी 100, 5, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आया, 400। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन है। संख्याओं में 5 का स्थानीय मान सिर्फ 5 का ही बताना था, जो अंडरलाइन किया हुआ था तो हमने कर दिया। फिर प्रश्न 6 क्या है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए, जो प्रत्येक अंक का इकाई है तो 1 से गुणा किया, दहाई है तो 10 से गुणा किया, सैकड़ा है तो 100 से गुणा किया। इसमें हमारे ये 3 क्वेश्चन में हमने किए हैं, और इसमें ये 10 क्वेश्चन है इसमें भी, है ना, प्रश्न 6 में, यानी कहने का मतलब है प्रश्न 4, 5, 6 ये आपको पूरा कम्प्लीट करना होगा। ओके, थैंक यू।